नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं बर्जर पेंट के ऊपर। आप यहां पे देख पा रहे होंगे आज लगभग ये 3.90 रुपये की तेज़ी, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 0.48% की तेज़ी है। चलिए हम सीधे चार्ट पे चलते हैं और यहां पे देखिए ये जो कैंडल आज की बनी है और आज कितने दिनों ये जो कैंडल बनी है, आप देख पा रहे हैं कि ये पहले फर्स्ट जो बॉक्स ट्रेडिंग किया है इसने सेम उसी जोन में आ गया है। देखिए जब ये जुलाई में ट्रेडिंग कर रहा था तो जुलाई के बाद इतना ज़बरदस्त मार्केट तेज हुआ कि लगभग इसने हाई बनाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये इसने हाई बनाया है 872 का, मतलब 872.95 रुपये का हाई बना के फिर उसके बाद अभी ये ट्रेड कर रहा है 800 लगभग। देखिए जो इसकी क्लोजिंग हुई है 817 रुपये के आसपास, क्योंकि आज इसने हाई भी बनाया 17.45 रुपये का, ठीक है, और लो इसने बनाया था 805 रुपये का। तो यहाँ पे देखिए मैंने वन डे का चार्ट लगाया है, ये चीज़ आप नोटिस करिएगा। और वन डे के चार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि जब यहाँ से तेज़ी आई इस स्टॉक में फिर वहाँ से गिरावट भी आई, और गिरावट आई तो सपोर्ट का लेबल ये मिल रहा है आपको। अब देख पा रहे होंगे जो इसका सपोर्ट का लेबल है वो ये है, लगभग 800 रुपये से लेके, और 800 रुपये पे ये देखिए तगड़ा सपोर्ट है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कितनी बार यहाँ पे ये स्टॉक आया और फिर उसके बाद यहाँ से जस्ट अपर चला गया। आप देख पा रहे होंगे दोनों में, और 800 रुपये का इसका बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल है। तो आपको ऐसा करना है कि आप अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 800 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए, मतलब 800 रुपये पे, और फिर उसके बाद इस स्टॉक में आप पोजीशन बनाइए। अगर आपको भारी तेज़ी देखने को मिलती है तो ये जो इसका लेबल है वो लेबल तोड़ के निकलने वाला है, ठीक है, और गिरावट अगर आएगी तो देखिए मैं आपको यहाँ पे वीकली चार्ट लगाता हूँ आपको, और भी मैं बताऊँ अगर गिरावट आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल तक गिरावट आ सकती है। ये जो लेवल है 780 का, यहाँ पे बस गिरावट आ सकती, इससे ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है इस स्टॉक में। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो इसका ये लेबल है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसी लेबल पे और इस लेबल पे सपोर्ट का लेबल ज़्यादा रहता है, ठीक है, जो उसने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद, क्योंकि देखिए जब यहाँ से ये गिरावट पे था तब सपोर्ट का लेवल यहाँ पे था, लेकिन ये उससे पहले ही देखिए कुछ सपोर्ट का लेवल यहाँ भी था, क्योंकि यहाँ भी थोड़ी दिन इसने बॉक्स ट्रेडिंग की। तो हम बस खाली एक अंदाज़ा लगाते हैं और वो लगभग अंदाज़ा 100% में से 90% 95% और 90% काम करता है। खाली 5 से 10% ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कभी कभी किसी किसी स्टॉक में, नहीं तो 90 से 95% तक पूरा एकदम बरोबर रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे आए तो ये स्टॉक देखिए इतनी ज़बरदस्त तेज़ी से भागा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इतना ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली कि ये स्टॉक कछुए की चाल से धीरे धीरे रॉकेट बन गया, मतलब इसने सीधे पैसा 2 गुना कर दिया। और फिर उसके बाद भाई जाहिर सी बात है अगर पैसा 2 गुना कर दिया तो स्टॉक में करेक्शन बनता है। तो देखिए वहाँ से करेक्शन बना, 600 लगभग इसने लो बनाया था, आपको मैं एक बार दिखा दूँ, 675.05 रुपये का इसने लो बनाया था, और फिर उसके बाद तेज़ी इस स्टॉक में हुई, लेकिन फिर भी इसने ये सपोर्ट जो लेवल है वो तोड़ नहीं पाया, तो फिर इस स्टॉक में गिरावट आई, फिर इतनी भयंकर तेज़ी आई कि ये लगभग देखिए
हाई बना दिया था इसने 872.95 रुपये, जो जबकि ये अपना हाई तोड़ दिया है। तो अभी इसी अपने हाई के आसपास लगभग सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये जो इसका हाई है उसी हाई के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो इस स्टॉक में और भी भारी तेजी आपको देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।